गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा पार्सल आ चुका है और पता नहीं इतने बड़े पैक में इस तरह से पैक करके क्यों भेजा है। चलो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी निकलती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने गिफ्ट में क्या मंगाया है और अभी काफ़ी टाइम है, यदि आप भी परचेस करना चाहते हैं, आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलो देखते हैं, पैकिंग बड़े सही तरीके से करके दी है। चलो तो फिर इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। वैसे आज बहुत ठंड है। वैसे अभी जैसे मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूं, इस तरह से जब बचपन में गिफ्ट आते थे ना तो बोलते थे कि लड़के तो ऐसे अनबॉक्स करते हैं और लड़कियां ना बड़े आराम से एक एक टेप हटा के अनबॉक्स करती है। मुझे बता रहा ये बात कितनी सच है, मेरे साथ तो था ऐसा। मैं तो उसकी टेपिंग हटा के ना जो गिफ्ट पेपर होता था उसको रख लेती थी। हमारी शादी के बाद भी ऐसा होता था और ये आते थे जल्दी से और उसका कुछ उम्र बना देते थे एक बार। या फिर मुझसे बोलते थे इतनी देर लगती है गिफ्ट खोलने में, मैं खोल के दिखाता हूँ तुम्हें। और ऐसे तो मुझे बताना किस किस के घर में ऐसा होता है। सो फाइनली ओपन हो चुका है हमारा बॉक्स। तो मैंने जो मंगाया वही निकला है ना, ऐसे तो नहीं कुछ और निकल रहा हूँ। हाँ इसमें टी शर्ट नहीं है। तो हमने ऑर्डर किए थे इनके लिए कुछ कपड़े। तो कुछ तो ये है, एक पार्सल आई थिंक और आ रहा है अभी। तो चलो देखते हैं कैसे निकलेंगे। आज क्या हमारा पार्सल जिसका हम वेट कर रहे थे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वैलेंटाइन डे गिफ्ट आइडियाज फॉर हिम। तो मैंने क्या क्या मंगाया है, इसकी कुछ अनबॉक्सिंग मैंने कल की थी बिकॉज मुझे कल पार्सल मिल गए थे। इस पार्सल का मैं वेट कर रही थी। सो स्टार्ट करते हैं, कल वाली भी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी और उसको भी डिटेल में बताऊंगी कैसे निकले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ये वाला पार्सल। तो इसमें हमें रिसीव हुआ है ये शर्ट। तो ये ब्लैकबेरी का शर्ट है जो कि हल्का सा पर्पल शेड में है और इसमें ना एक छोटी छोटी प्रिंटिंग है, व्हाइट लाइनिंग है व्हाइट शर्ट पर पर्पल शेड की। और ना व्हाइट कलर व्हाइट नहीं है इसका, हल्का सा पर्पल शेड भी हुआ है। वैसे तो अच्छी लग ही रही है, क्वालिटी वाइज भी ये काफी अच्छी है। इसका फैब्रिक बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है, काफी अच्छी शर्ट है ये। देखो इसमें ना इसके जो फैब्रिक है इसमें शाइन भी बहुत ही प्यारी है। बटन्स काफी डिसेंट दिए हुए हैं, कॉलर और फिटिंग आपको काफी अच्छी लगेगी। सो ओवरऑल शर्ट काफी अच्छी है। फुल स्लीव की शर्ट है जहां पर आपको यहां पर भी ब्रांडिंग मिल जाती है इसकी, ये देखो कॉलर पे। एंड सबसे बड़ी बात इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, काफी प्यारा फैब्रिक है। सो फ्रेंड्स मैंने तो गिफ्ट एडवांस में ही दे दिया है एंड अब मैं दे रही हूं इसका रिव्यू आपको। तो ये है हमारी नेक्स्ट टी शर्ट जो कि हमने मंगाई थी यूएस पोलो से। इसका भी फैब्रिक काफी अच्छा निकला है एंड इस पे भी आपको ऊपर ही ब्रांडिंग मिल रही है और कलर प्रिंट तो ऑब्वियसली काफी अच्छे हैं ही, स्मूथ है कपड़ा। एंड जिन लोगों को भी लगता है कि अमेजोन से मंगा रहे हो आप, ऑनलाइन मंगा रहे हो, पता नहीं कैसा निकलेगा, सो मेरा तो इस चीज में एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ये देखो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है फैब्रिक और पहन के भी ये काफी अच्छी लग रही थी। मैं आपको साइड पर भी दिखा दूंगी इसको। नेक्स्ट हमने मंगाई है ये ब्लैक कलर का पोलो कॉलर वाला टी शर्ट जो हमने एलन सोली से मंगाया है बिकॉज एलन सोली का ना फिटिंग काफी अच्छी आती है। ये डिपेंड करता है जिसको जो भी फिटिंग अच्छी आती हो। तो एलन सोली में ना जो पतले लोग होते हैं उन पर 38, 39 और 40 तीन ही तरह के आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए इसका फिटिंग इशू काफी अच्छा होता है।
एंड अगेन फैब्रिक अच्छा है, ब्लैक कलर की है और प्लेन टी शर्ट है, काफी अच्छी लग रही थी ये भी। तो सारे फोटोज मैं साइड से ऐड करती जा रही हूँ, इसीलिए ये पहनने के बाद कैसे लग रहे थे आप मुझे बताना, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। और कोई भी आपको चूज करना है या पिक करनी है तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये ब्लैक कलर का शर्ट जो कि प्योर कॉटन में है और ये भी एलन सोली से है। यहां पर भी इस पर आपको साइड से ब्रांडिंग मिल जाएगी इसकी, तो ये एकदम प्योर कॉटन का है, एकदम प्लेन शर्ट है, फिटेड शर्ट है, ये भी काफी अच्छा है। लेकिन ना वो शाइनी वाला या वैसा नहीं है, तो ये एक कैजुअल शर्ट है। तो ये थे वो प्रोडक्ट जो हमने अमेजोन से ऑर्डर किए थे वैलेंटाइन स्पेशल गिफ्ट के लिए, और यदि आपको अच्छे लगे हैं और आप इन्हें पिक करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी शर्ट या टी शर्ट सबसे अच्छी लगी।